गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? बिकॉज ऐसा नहीं होता मैं नमक लेने जाता हूँ, चीनी ले आता हूँ। मैं एक बैग लाई थी ना, तो इसे पता चल चुका है, उसी के इंतजार में कि उसे कब दिखाऊंगी। हाँ, तो भी तो बना पाऊंगी। तो अभी चलते हैं यार फटाफट, और आंटी से मैं आपको मिलवा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और फिट एंड फाइन होंगे। तो नया दिन, नई शुरुआत, तो सबको सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो गाइज, मैं अभी उठ चुका हूँ, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। शालू तो पहले उठ चुकी थी, घर की सफाई कर चुकी है और अपनी कुछ एक्टिविटी में लगी हुई है, वो आपको मिलवाता हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो मंडे मार्केट का व्लॉग है वो पब्लिश कर दिया है मैंने, जाके देखिए, एंड तक देखिए और प्यार दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव भी बहुत है। जो आसपास के लोग हैं करोलबाग के, उनको काफ़ी चीज़ पता चलेगी। तो जाइए जाइए जाइए, प्यार दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मैं आपको शालू और एडोरा से मिलवाता हूँ। शालू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एडोरा, गुड मॉर्निंग बाबू, ऐसे कर दे गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो, ये भी अभी स्लीपी मोड पे है, इसको खाना दिया था एज यूजुअल। मैं दिखा सकता हूँ इसका खाना, अभी पूरा फिनिश नहीं किया इसने, देखो थोड़ा सा रख दिया है। आजकल ये खा नहीं रही, ये थोड़े थोड़े स्लॉट में खा रही है, मतलब थोड़ा खा लिया। क्या कर रही है? अच्छा, अच्छा तो आप ये क्या क्या लेकर आए, जरा हमारी फैमिली को दिखाइए तो सही यार। तो देखते हैं यार शालू क्या क्या लेकर आई थी। बहुत सारी चीजें मैंने ली और अडोरा ना बैठी हुई है, देखो। अच्छा, इसके लिए मैं एक बैग लाई थी ना, तो इसे पता चल चुका है, ये उसी के इंतजार में कि उसे कब दिखाऊंगी। हाँ, ये बहुत नॉटी है। इधर आ जा, इधर आ जा। इयररिंग्स लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी है ये। भाई शालू की चॉइस है तो शालू की चॉइस पे कोई डाउट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अडोरा को दिखा देते हैं ना क्या है उसके लिए। कैसे देख रही है यार? आपका ये बिट्टू, पसंद आ गया। हाँ बाबू जी, आपका ही, आप पसंद आ गया इसको, ये आपका ही आएगा। इसके लिए मैंने एक ट्रैवलिंग बैग लिया था, बहुत ही अफोर्डेबल है ये। कितने का था अभी ये? आई गेस था 150 रुपीज का था। बहुत ही क्यूट है ये, देखो। wow! इसके अंदर ना मतलब स्पेस है काफी, तो हम इसमें जब भी इसको लेके जाते हैं तो ट्रैवलिंग पर्पज से बहुत अच्छा बैग, क्योंकि अब इसका मटेरियल भी तो बहुत ज्यादा हो गया ना, वो कैरी करना पड़ेगा। बिस्किट, मेडिसिन, सब कुछ इसमें कैरी कर सकते हैं हम लोग। और कुछ, और क्या चीज है? टेबल क्लॉथ लिया है यहाँ के लिए, इसके लिए तो बार्गेनिंग हुई थी अच्छी। हाँ, इसके लिए बहुत अच्छी बार्गेनिंग की थी हमने, बट ठीक है, कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक उनको, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, बट ये बीच में सेंटर में रखने के लिए हम लोगों ने लिया। दिवाली भी आ रही जैसे है, जैसे ये ऑलरेडी हमने रखा हुआ है ना पहले, तो ऐसे ही कुछ है यार सेंटर में रखने के लिए, तो अच्छी चीज है। देखो मेरे स्पेक्स के साथ क्या कर रही है। अरे 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 अरे, शेड शेड छोड़ दे, ये भी तो शालू लाई है। और ये कुछ शेड्स लिए थे हमने वहां से, ये कुछ शेड्स लिए थे, जब ट्रैवलिंग पे जाएंगे तो लगाएंगे इसको। क्या बात है, शालू बन गई जेंटल वुमन। और ये कुछ स्लिपर ली थी मैंने, ये भी बहुत सुंदर है। ये किस प्राइस की थी? ये मेरे ख्याल से 180 रुपए की आएगी। 180 रुपए में मुझे स्लिपर मिल गई, 300 बोल रहा था, 300 बोल रहा था और उसने 180 में दे दिया यार। कैन यू इमेजिन यार, कि मतलब इतना सस्ता, इतना मार्जिन है। तो कुछ और भी सामान लिया था, वो वॉश करने के लिए रख दिया है, वो भी आपको कभी दिखाएंगे। अभी जो है हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ भाई, ये लोगों तो ब्रेकफास्ट का क्या बात है, शारू ने तो थोड़ा बहुत कर ही लिया था जब ये उठ गए थे, सफाई कर ली थी इसने, मैंने एक्चुअल में नहीं किया था, तो मैं अब ब्रेकफास्ट करूँगा। देखते हैं क्या है। वैसे दो वैरायटी हैं, आलू पूड़ी भी अवेलेबल है और आलू के पराठे भी हैं, तो मैं देखता हूँ यार मैं क्या खाता हूँ उसमें। देखो मेरे को दोनों ही मेरे फेवरेट हैं यार, आज तो मज़ा ही आ गया। आज शालू ने आलू पूड़ी बना दी और आंटी ने आलू के पराठे, तो देखते हैं तो क्या खाया जाए यार। थोड़ा 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 दोनों खा लेते हैं यार। मैंने पराठे खाए थे। अच्छा, आज आप आलू पूड़ी खा लो, रोज तो पराठे। चलो मैं आज आलू पूड़ी खा लेता हूँ। आलू पूड़ी खाने के बाद आज कुछ काम तो नहीं है ना मेरे बाहर का। मुझे सबसे अच्छा ना ये बैग लगा है। ये तो है ही सबसे बढ़िया, देखो कितना अट्रैक्टिव है, कितना ब्राइटेड है यार। बब्बू का है, बच्चू का है। तो आज कुछ है काम बाहर का, कुछ है सामान? राशन खत्म हो गया है, राशन ले आओ। ठीक है, तो राशन मुझे बना के देते ना कि क्या क्या लेके आना, क्योंकि मैं वहां जाके फिर कंफ्यूज होता हूँ, लेने जाना है नमक, ले आता हूँ चीनी। आजकल ऑनलाइन थोड़ा बंद कर दिया है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ना एक बहुत ही फेमस वो राज मंदिर, एग्जैक्टली, बहुत ही ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस है, बहुत ही फ्रेश मटेरियल है और
कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनका 2 महीने पुराना होता है, बिल्कुल हर 10 दिन में, हर हफ्ते में उनका नया स्टॉक आता है यार। हाँ। तो ट्राई कर चुके हैं यार, उसका भी मटेरियल बहुत अच्छा निकला है, बहुत फ्रेश है, तो वहीं से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। होलसेल का है तो वहाँ पर अच्छा अफोर्डेबल सामान मिल जाता है, तो आप वहाँ जाके आ जाओ। मैं वहाँ से तो ले आऊँगा, बट आप मुझे एक काम करना, आप मुझे लिख के दे देना, बिकॉज ऐसा नहीं होता, मैं नमक लेने जाता हूँ, चीनी ले आता हूँ, पत्ती लेने जाता हूँ तो पुदीना ले आता हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे राइट डाउन करके देना, तभी मेरे पास चलेगा। जी, मैं लिख के दे दूंगी इनको, क्योंकि भाई मुझे पता नहीं चलता, गड़बड़ घोटाला। ब्रेकफास्ट कर ले तो, और फिर देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, ओके। और ये देखो मैंने ये लगा दिया है, कितना सुंदर लग रहा है ये देखो। अच्छा लग रहा है यार, आपकी चॉइस की कोई बात ही नहीं है, नेक्स्ट लेवल। और ना आप कर्टन भी चेंज कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पर्दे नशीन। अच्छा जी, और क्या, कर्टन ही तो बेपर्दा ही कर दो। ओके ओके, आप क्या कर रहे हो? ये देख लो, दे दो टेडी बियर, दे दो, मैं इसे धोने जा रही हूँ। ये इसको मारने की कोशिश कर रही है बट मार पा नहीं रही, ये कह रही मैं इतना काट रही हूँ, इसको खून क्यों नहीं निकल रहा। दे दो, मैं धोने जा रही हूँ इसको, दो छोड़ो। इसे पता ही नहीं है कि ये रियल है या सिर्फ ये टेडी बियर। आपने अपनी बिल्ली मौसी तो फाड़ दी है, अब इसको भी कर रहे हो। हाँ, बिल्ली मौसी को तो इसने पूरा काम तमाम कर दिया है। गाइस शाम हो चुके हैं, 6:30 बज चुके हैं, सारा काम हो गया है। शालू ने भी अपना सारा काम जो इधर उधर बिखरा हुआ था सारा लपेट दिया है, और अब आंटी आ चुकी है। और आपको बताना चाहूँ, एडोरा का बिछड़ा हुआ प्यार है आंटी, ऐसे वो मिलती है, आप देखिए एक बार। छोड़ मेरी कुर्ती, छोड़ छोड़ दे, छोड़ एडोरा, छोड़ दे। ये कैसे मिले यार, ये देखो ये कैसे मिले आंटी से, मतलब आंटी सुबह है या इवनिंग में आई, ये ऐसे मिलती है जैसे वो 10 साल बाद मिल रही है, बहुत परेशान करती है। तो बेटा चल तू खेल और हम चलते हैं राज मंदिर हाइपर मार्केट। तो आ गया हूँ मैं राज मंदिर, और ये रिसेंटली हमारे एरिया में ओपन हुआ है। दिल्ली में इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, क्या आपके एरिया में भी ये ओपन हो गया या नहीं, प्लीज़ मुझे कॉमेंट में बताइए। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप घर के राशन की बात करें तो ये होलसेल है और अफोर्डेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिल जाती है, और यहाँ के जो स्टाफ मेंबर है वो काफ़ी हेल्पफुल है। और मैं पहले भी यहाँ से शॉप कर चुका हूँ, बट जो इस बार मैं शॉप करूँगा, जो भी सामान लूँगा उसका रिव्यू आपको ज़रूर बताऊँगा, और काफ़ी चीज़ों पर आपको बाय वन गेट वन का ऑफ़र भी मिल जाएगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो चलिए चलते हैं आगे, अपना सामान लेते हैं। यार ये हमेशा से ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि क्या चीज़ लें क्या नहीं लें, अब पता नहीं कि रोस्टेड मखाना लेना है या नॉर्मल लेना है, पता नहीं यार। तो यार ये मैंने ले लिया है, अब आई डोंट नो कि ये एग्जैक्ट है जो शालू को चाहिए था। देखो दाल मिल गई, राजमा मिल गई, और ये मखाना मिल गया, तो अब चलते हैं यार बाकी सामान बाहर से लेते हैं। तो जितना सामान मैंडेटरी था वो मैंने ले लिया है, चलो बिलिंग करा लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो गाइस मैं घर आ गया था राज मंदिर से, जो जो शालू ने मुझे बताया था ऑलमोस्ट मैं चीज़ें ले आया था, और जो मिल गई थी मुझे यार, क्योंकि आधी चीज़ें तो मिलती नहीं है, और मैं वहाँ जाके ना कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं रहता कि यार क्या लेना है क्या नहीं लेना, नंबर ऑफ वैरायटी दिखती है तो मैं उसी में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। ये मेरा बैड पॉइंट है यार, सुधार लूँगा मैं धीरे धीरे सुधार लूँगा। और आने के बाद यार एक दो चीज़ें रह भी गई थी, तो मैंने कहा मैं कल चला जाऊँगा यार, अभी मैं बहुत टायर्ड भी हूँ और कुछ एडिटिंग का काम करना था। और आप मानेंगे नहीं, मैंने जस्ट अभी टाइम अभी हो रहा है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी 1 बज रहा है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय पी है, क्योंकि मुझे अभी 1-2 घंटे और जागना है, कुछ काम करना है, कुछ एडिटिंग पेंडिंग है वो करनी है, तो मैं वो ही कर रहा था। एंड आई होप आपने हमारा मंडे मार्केट वाला व्लॉग देख लिया होगा, आई एम श्योर यार, मुझे फेथ है कि आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगा ही होगा यार। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। तो इस व्लॉग को हम अभी एंड करते हैं, अब आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, डू लव एंड स्प्रेड लव, गुड नाइट।